आपके सामने सावन हो जाए एक मिनट टाइम दो उसे फिर एक बार एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। मैंने आपको पहले इस पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक ईंट को हम ब्लॉक से कैसे तोड़े। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इससे ही मतलब हम दो या तीन ईंटें भी आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगी हमको लगातार प्रैक्टिस। नहीं तो आपने क्या करना, एक दिन एक ईंट तोड़ ली, दूसरे दिन तीन ईंट या दो ईंट तोड़ोगे आपको क्या करना है, फिर एक महीना लगातार एक ही ईंट तोड़ना है जिससे आपका ये पंप कैन मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, दो ईंट कहना है धीरे धीरे करके। एक दिन यदि आप डायरेक्ट दो या तीन ईंटों पे आ जाओगे तो आपके पंप में चोट आ जाएगी और 100% ये इंजर्ड हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आपको नहीं करना है डायरेक्ट। आपको जो टारगेट होगा वो टारगेट को आपको क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से पकड़ना है। यदि आप सही तरीके से टारगेट को नहीं लोगे तो क्या होगा, आपके हाथ में लग जाएगी और ईंटें इधर की उधर हो जाएगी और डायरेक्ट आपके हाथ में छूट आएगी। आपको कुछ नहीं करना, टारगेट को बिल्कुल सही तरीके से जमाना है। पहले तो ये मैंने एक ईंट जमाई, इसको मैंने ये लिया, इसके बाद इसके ऊपर एक और ईंट जमाई, एक और ईंट जमाई, ये तीन ईंटों का मेरा टारगेट मिल गया। इसके बाद कुछ नहीं करना, टारगेट मैंने आपको पहले भी और करना क्या है, ये नॉर्मल से अपने झुकना है और हमें टारगेट पे बिल्कुल नजर मारना है। हमको बिल्कुल यहाँ पे करना है, स्टार्ट किया 1 2 3 अटैक।